और छुपा हुआ है एक कातिल। Yes, Mrs. Braganza. ये कॉफी अंदर बाबा लोगों को देके आना, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। श्योर मिसेस ब्रिगेंजा। साई बाबा गोस। सुबह की मीटिंग का मजा ही कुछ और होगा ना? आई वंडर व्हाट इट्स। ओके सिड, आई गेट द पॉइंट। हम मीटिंग के लिए लेट हैं। लेट? मिस्टर रेमो मैथ्यूज ये स्विस बैंक वाले मरने के बाद भी अपने नाम के आगे लेट नहीं लगाते, तू भूल कैसे गया? मैं भूला नहीं सिड, आई वाज विद माय बेबी ऑल नाइट। मैं भी, लेकिन तुम्हारी इस बेबी के वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डोंट वरी सिड। वरी? व्हाई शुड आई वरी? भाई कंपनी तुम्हारी है, आई एम जस्ट योर लीगल एडवाइजर। और दोस्त भी। पर दोस्त होने की सैलरी थोड़ी ना मिलती है, सिर्फ टेंशन मिलती है। सब टेंशंस दूर हो जाएंगी। टेक अ लुक एट दिस। अरे मगर ये तो ऑयल बैरन डीएच फिलिप्स का स्विस बैंक अकाउंट, ही इज वन ऑफ देयर बिगेस्ट कस्टमर्स। दैट्स 100 मिलियन डॉलर्स। मगर तूने ये किया कैसे? ओह सॉरी, तूने सारी उम्र और किया क्या है? इनका सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है लेकिन परफेक्ट नहीं। तेरा ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड क्या है? जाने देना। सिद्धार्थ 36 24 36, दैट्स योर पासवर्ड। व्हाट टू डू? ओके, अब देख मैजिक, उसके पैसे तेरे अकाउंट में। शिट मैन। Congratulations, Siddharth. You're now a very rich man. $100 million? और मेरे खुद के 5 लाख? तू एक काम कर, ये contract छोड़, अंबानी का account खोल। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, Sid. The Bible says कि दूसरे आदमी की चीज को चाहना पाप है। देखिए, पहला मैं हूँ, दूसरा तू, और ये पैसा किसी तीसरे आदमी का है। Bible has no clause to that. Open it, यार. This is just for the presentation, Sid. इसे देखते ही वो लोग अपने बैंक के लिए हैकर प्रूफ सॉफ्टवेयर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमें दे देंगे। हमारा काम हो जाएगा और पैसा वापस फिलिप्स के पास जाएगा। यार लेकिन ये तो ब्लैक मनी है, वो फिलिप्स इसका क्या करेगा? वो साला तो वाइट है। तू मुझसे तो अपनी सैलरी से ज्यादा एक पैसा नहीं लेता, इसके पैसे के पीछे क्यों पड़ा है? यार तेरा पैसा तो मेरा ही है, जब लेना होगा हक से ले लूंगा। अच्छा तू रेडी हो जा, मैं जरा ATM होके आता हूँ। क्यों? यार इस अकाउंट बैलेंस की एक रिसीट तो निकलवा लूं, लड़कियों को इम्प्रेस करने में काम आएगी। सर रिसीट बाद में ले लेना, पहले कॉफी पी लीजिए, मैं तब तक गाड़ी निकलवा के आया। रिसीट, कॉफी, गाड़ी? यार SMS जो कहता है जो करता है कोई मैच ही नहीं होता यार। मैच नहीं करता, तभी तो उसका नाम SMS है, श्री मिस मैच शर्मा। यार डेफिन नाम स्कूल वालों ने इसे निकाल दिया था, तो तूने क्यों रख लिया? दिल का बहुत अच्छा है। You want me to stop smoking? No, I'm okay. Are you sure? Absolutely. Oh shit! मैंने भी यही बोला था। ये भी। This is amazing. इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ Zen Software Solutions की नेटवर्थ 500 करोड़ हो गई है। इतनी ग्रोथ है तो पॉपुलेशन की भी नहीं है। We must celebrate. Let's have a party, man. सर आप पार्टी रखिए, मैं माँ के हाथ के बने परांठे लेकर आऊँगा। SMS मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपना मुंह बंद रखिए। जी सर। SMS. सर मैं आपकी कंपनी की बात कर रहा हूँ। क्या बात है, तू खुश नहीं है?
आज 25 जुलाई है। साथ में अपने पाप को भी लेती जाओ, वरना इस हरामी को अभी यहीं गोली मार दूंगा। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है किसी जिंदा इंसान के अंदर जज्बात का मर जाना। रेमो के अंदर भी बहुत कुछ मर चुका था। वो ये बात किसी को कहता नहीं था, मगर मैं जानता था कि पापा के अफेयर की वजह से जब रेमो ने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया, तब से वो कोई भी रिश्ता बनाने से घबराता था। यार कब तक यूं जिंदगी से मुंह मोड़कर बैठा रहेगा? यार 14 साल हो गए मॉम डैड के एक्सीडेंट को, 6 साल हो चले 9/11 को, और 5 साल हो गए हमारी दोस्ती को। ऐसी ट्रेजेडीज होती रहती हैं, लाइफ फिर भी चलती रहती है। गुड पॉइंट, मैं भी चलता हूं। अच्छा ठीक है, सॉरी यार, नो मोर लेक्चर्स, बैठ जा। यार लेकिन तू कोई भी रिश्ता बनाने से इतना भागता क्यों? I don't understand। मैं ज्यादा भाग ही नहीं सकता सिद्धार्थ, मुझे एस्मा है। तेरी प्रॉब्लम एस्मा नहीं है, तेरी प्रॉब्लम अकेले रहने की बीमारी है। देख रहे हो, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, एंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए। यस यस, आपने मेरा नाम लिया, आई एम जीना। ओह, एंड आई एम 98210-24240, नाइस टू मीट यू। आई विल रिमेंबर इट, बाय। हाय जीना, मार सुटी आई। तो मैं क्या कह रहा था? यही कि तू बोलता बहुत है। अच्छा यार मुझे ये बता, तेरा दिल नहीं करता कि तेरा भी कोई हो, तो कुतुब मीनार से चार मीनार बन जाए? दिल का क्या है, होता तो वही है जो किस्मत में लिखा है। नॉनसेंस, होता वही है जो हम प्लान करते हैं, जो हम सोचते हैं। आई मीन जस्ट लुक अराउंड यू, जितनी लड़कियां उतनी पॉसिबिलिटीज है। तू किसी के साथ भी डेट पे जा सकता है। रियली? कैसे? एक्सपर्ट तुम्हारे सामने बैठा है। मतलब तुम यहाँ किसी भी लड़की के साथ मुझे सेट अप कर सकते हो? एब्सोल्युटली, जस्ट पॉइंट आउट व्हिच वन यू लाइक। ओके, That one. वो ग्रीन ड्रेस में। All right then, put on your seat belt kiddo, मैं अभी आया। Quite hot. So what do you think, guys? Very nice. Beautiful. Are they real? No silly, they are fake. वैसे भी इतने बड़े साइज में रियल मिलते कहाँ हैं? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये डायमंड्स मेरी फिंगर के हिसाब से। Excuse me, two beers please, right over there, and make it quick. Excuse me. मैं वेट्रेस नहीं हूँ। मुझे भी बियर्स नहीं चाहिए। आपको उन लड़कों से अलग करने का यही एक तरीका था। मतलब? आखिर हमें भी तो चांद को देखने का हक है। ओह, हाउ रोमांटिक। आपका नाम क्या है? मलिका। He's like really rich. You love him for sure, I'm telling you. Don't worry, I love rich men. कहाँ गया वो? What happened? वैसे मैं भी बहुत रिच हूँ। ATM रिसीट दिखाऊं? यार तेरी प्रॉब्लम क्या? I wasn't interested in her, Sid. अरे तो उसके साथ डेट पर ही तो जाना था, उसके साथ शादी थोड़ी ना करनी थी। Is that going to a cyber cafe? सर्फिंग में टाइम पास किया और निकल लिया। कंप्यूटर उठा के घर थोड़ी लाना है। Not interested, Sid. Rio. Yes, sir. देख मेरी बहुत सी चैट फ्रेंड्स हैं। I'm setting up a date for you. इस बार तो जाना ही पड़ेगा। Any messages for me? Yes, sir. सर आपके लिए सन माइक्रो सिस्टम के CEO मिस्टर लियर के सेक्रेटरी का कॉल आया था, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सन माइक्रो सिस्टम्स? Yes, sir. ठीक है, कल 1 बजे का बिजनेस लंच फिक्स करो। कहाँ पे सर? रिंगोस कैफे। ओके सर। रिंगोस कैफे 1 बजे। आर यू मैड? व्हाई? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, हार्डली एक आध बार चैटिंग की है, पर मिलोगी तो जान भी जाओगी। नो वे, इसमें डरने की क्या बात है? आई जस्ट वॉन्ट बी फ्रेंड्स। सब मर्द पहले यही कहते हैं, बाद में सब एक जैसे निकलते हैं। एटलीस्ट सब मर्द कंसिस्टेंट तो हैं। वेरी फनी, थैंक यू। देखो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरे मर्दों की तरह नहीं हूँ। क्यों, तुम गे हो क्या? Yes. Really? So what's your real name? रेमो मैथ्यूज।
Sid, what are you doing on my computer? Nothing at all. Nothing. This is sick. Mr. Remo Matthews? Yes. Hi, I'm Sophie. Hi. I'm sorry, do I know you? Kamal hai. Internet, 1 baje, Leah? Oh, you are Mr. Lear. I mean Miss Lear. Mera net ID. Lear as in King Lear. I'm a great fan of Shakespeare. I'm sorry, mujhe laga you were a man. Mujhe bhi aapke baare mein yehi laga tha. I'm sorry? No. I'm sorry. Maine aapko galat samjha. Mujhe laga aap bhi baaki marton ki tarah hai. Matlab? Matlab ye ki aap mein jitni himmat aur dignity hai, wo baaki marton mein kahan hai? Aap chahe us tarah se mard nahi hai, par aap sahi maine mein mard hai. आप क्या कह रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ। इस तरह की सोसाइटी में सिर उठा के जीना, वो भी बिना किसी से कुछ छुपाए, गट्स चाहिए। बिना क्या छुपाए? What the hell you talking about? यही क्या आप गे हैं? What? I'm not. Yes you are. आपसे किसने कहा? आपने? मैंने? मैंने कब कहा? कल तो बड़ी हिम्मत दिखा रहे थे, और आज लोगों के सामने मुकर रहे हैं। I'm leaving. लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। आप हैं या नहीं? That's your problem, not mine. Wait. आप ऐसे नहीं जा सकती। Please पहले इस बात को clear कीजिए। मैं क्यों करूँ? आप prove कर सकते हैं तो कर दीजिए। मैं तो चली। Prove करूँ? कैसे? पता नहीं। लड़की पकड़िए, प्यार कीजिए, whatever. पर मैं ऐसे कैसे किसी को? दुनिया में दो चीजें infinite हैं। ये universe और मर्द का ego. And I'm not so sure about the universe. रेमो ने जो किया वो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन एक लड़की ने उसकी मर्दानगी को चैलेंज किया था। यार कम से कम मुझे बता तो देता। अरे तो तू जाता उसे मिलने? You're mad. मेरी पूरी फैमिली पागल है। अच्छा ये बता, कुड़ी कैसी थी? मुझे काम करना है। अच्छा किस तो एंजॉय की होगी तूने, है ना? है ना? देखा, आई न्यू इट। तू जितना जमीन से बाहर है उससे ज्यादा जमीन के अंदर है। अच्छा नंबर लिया कि नहीं उसका? नहीं। अरे तो फिर दोबारा कैसे मिलेगा उसे? टेस्टनी को मंजूर होगा तो मिल जाएगी। ओह शिट, आई एम लेट। यार उसे मिलना था मुझे। कौन? यार डेस्टनी। यार डेस्टनी? अरे लड़की की नेट आईडी है। आई नीड टू गो मैन, आई एम ऑफ। सिड, या टेल मार्टिन टू कम एंड सी मी, मुझे नए सॉफ्टवेयर की प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए। श्योर, ओके। नमस्ते, वणक्कम, सस्री अकाल। देखा एसएमएस? कमाल का सॉफ्टवेयर है यार, तुम भी ट्राई करो। मतलब मैं जो भी बोलूंगा सब टाइप करेगा? अरे टाइप करेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, फिर टाइप करेगा। जस्ट इमेजिन एसएमएस, दुनिया में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। लैंग्वेजेस तो नो बार है ना, ब्रिलियंट। लैंग्वेज तो इनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इशारों में ही समझा देते। थैंक यू सर। लेकिन इसमें ब्रिलियंट वाली क्या बात है? ये काम तो बॉस की सेक्रेटरी भी कर सकती है। एक बार ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया ना एसएमएस, फिर रिया की तो क्या आपकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे काम यही करेगा। मतिन बॉस आपको बुला रहे। ओके। बहुत स्मार्ट बनता है, मेरी जगह लेगा। बच्चू इसको ट्रांसलेट कर। एक और ले। तो ये प्रॉब्लम अलग अलग एक्सेंस की वजह से आ रही है। यस सर। ओके, सॉफ्टवेयर की सारी फाइल्स मुझे हैंडओवर कर दो, मैं इस पे घर पे काम करूंगा। विल फिक्स इट। ओके ओके सर। थैंक्स सर। सोफी, सोफी, ओह शिट, सोफी! क्या हुआ आपको? Are you okay? Yeah, I'm okay. Are you sure? I'm fine. Do you need a lift? Thanks. Don't mention it.
मेरी जगह कोई भी होता तो आपकी जान जरूर बचाता। मैं तो लिफ्ट के लिए थैंक्स कह रही थी। ओह। मुझे बचाने के लिए थैंक्स, स्पेशली उस दिन जो हुआ उसके बाद। ओह गॉड, उस दिन जो हुआ वो मेरे दोस्त की शरारत थी। अजीब दोस्त है आपका। नहीं नहीं, दरअसल वो चाहता है कि मैं थोड़ा सोशलाइज करूं, इसलिए उसने ऐसा किया। डोंट अपोलोजाइज फॉर हिम। आपकी बातों से ये साफ जाहिर है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग थी और आप मछली की तरह जाल में फंस गए। नहीं तो मतलब? नहीं कुछ नहीं। आप कुछ कहने वाले थे? Come on, say it. वैसे जाल इतना खूबसूरत कहाँ होता है? मछली भी इतनी भोली कहाँ होती है? मतलब मैं भोला हूँ या मछली हूँ? आप अच्छे आदमी हैं। How can you say that? आप अपने उस दोस्त को बचा रहे हैं जिसने आपको फंसाया। It's so true. What is? यही कि हमारा चेहरा एक मास्क की तरह होता है। अक्सर ये मास्क और उसके पीछे छुपा हुआ इंसान बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए किसी का असली चेहरा देखे बगैर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर आप मुझ पर विश्वास करके गाड़ी में कैसे बैठ गई? क्योंकि मुझे पता था कि आप ही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। मंजिल? थिएटर आ गया। This is where I get off. ओ, आप यहाँ क्या करती है? वही जो आप कर रही हूँ, एक्टिंग। मैं समझा नहीं। शेक्सपियर ने कहा है कि सारी दुनिया एक स्टेज है और हम सब एक्टर्स, तो आई एम एन एक्ट्रेस रियल लाइफ में भी और स्टेज पर भी। वाओ, वंडरफुल। तो मैं चलूं? ओह या, श्योर, एब्सोल्युटली। बाय। बाय। एक बात कहूं, इफ यू डोंट माइंड। श्योर। हम अपनी कमजोरी को अगर कमजोरी समझना छोड़ दें तो दुनिया भी उसे कमजोरी नहीं समझती। मतलब? आप अस्मा को अपनी कमजोरी समझ के छुपाइए मत। वैसे भी लड़की हमेशा दिल देखती है, फेफड़े नहीं। सोफी। Will you have dinner with me? इतनी सी बात? मुझे लगा प्रपोज करने वाले हो। मतलब तुम डिनर पर चलोगी? Of course not. क्यों? Like I said, कि किसी अनजान आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर मैंने अभी अभी तो तुम्हारी जान बचाई। आप ही ने तो कहा कि आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता। Okay. तो मैं आपका विश्वास कैसे जीत सकता हूँ? Depend करता है कि आप विश्वास जीतना क्यों चाहते हैं। जाल में फंसने का इरादा है। सेवन o'clock, Romanos. आई हूं पर आज ये जगह कुछ अलग ही लग रही है। और मैं पहली बार आया हूं, फिर भी सब कुछ जाना पहचाना सा है। मिस्टर मैथ्यूज, आप बातें काफी अच्छी बना लेते हैं। मैं खुद भी हैरान हूं, पर मेरा कसूर नहीं है। मुझे लगता है ये कंपनी का असर है। Shall we? What? You talk to your computer? हाँ, तो तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? Not at all. Yeah, right. घर के कंप्यूटर से ऑफिस और ऑफिस के कंप्यूटर से घर. You seriously need to get a life. अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से लाइफ क्या होती है? जो यहाँ से जी जाए, यहाँ से नहीं. Okay, tell me something. तुमने आखिरी बार बिना सही गलत सोचे समझे अपने दिल की मर्जी कब की थी? See? तुम्हें इतना भी नहीं पता, पर मुझे पता है. अच्छा, कब? तब जब रेस्टोरेंट में तुमने मुझे सबके सामने किस किया था। ओह गॉड, क्यों बार-बार याद दिलाती हो? सॉरी तो बोल चुका हूँ। बट व्हाई यू सॉरी? तुम्हें उस बात का अफसोस है? मुझे तो नहीं है। बुद्धू,
मैं किस करने की इनविटेशन दे रही हूँ और ये मुस्कुरा रहे हैं। किसी को किस करते समय अगर हम अपनी आंखें बंद कर ले तो इसका मतलब है कि हम उससे बेहद प्यार करते हैं। उस एक पल में सोफी को यकीन हो गया कि रेमो उससे बहुत प्यार करता है, उस पर पूरा विश्वास करता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सोफी, क्या हुआ? पता नहीं रेमो, कुछ डर सा लगने लगा है। डर? किससे? अपनी किस्मत से। क्यों? हम जब भी कुछ हासिल करते हैं ना, उसके साथ साथ उसे खोने का डर भी हासिल करते हैं। डरती हूँ कि किस्मत फिर से कोई धोखा ना कर जाए मेरे साथ। फिर से मतलब? 14 साल पहले मम्मी पापा को कार एक्सीडेंट में खो चुकी हूँ। तब से डर सा बैठ गया है मन में जिंदगी का। मैं इस डर को अच्छी तरह जानता हूँ सोफी। तुम नहीं जानते। हर दिन हर पल ये सोचना कि काश उस दिन 25 जुलाई ना होती, काश मम्मी पापा मुझे स्कूल से पिकअप करने ना आते, काश उस दूसरी गाड़ी ने सिग्नल ना तोड़ा होता, काश आज मम्मी पापा जिंदा होते। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? जुहू सर्कल। दूसरी का मेरी मां चला रही थी। What? मतलब तुम्हारी मां की वजह से? आखिर किस्मत धोखा कर ही गई ना मेरे साथ। यार ये मंदिर की घंटी नहीं है, इतनी मत बजाओ। डार्लिंग, मत जाओ ना। अरे बस अभी आया। रेमो, बैड टाइमिंग। लड़की बेड में है, मैं जल्दी में हूँ और तू परेशानी में? एनीथिंग सीरियस? प्यार करता है ना उससे? Then propose to her. कैसे प्रपोज कर दूं? सिद्धार्थ वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अरे उसके पेरेंट्स को तूने थोड़ी ना मारा है। It was an accident. एक्सीडेंट था और उसके लिए वो आज तक किस्मत को ब्लेम करती आई है। लेकिन अब उसकी बुरी किस्मत को एक चेहरा मिल गया है सिद्धार्थ, मेरा चेहरा। लेकिन यही चेहरा उसके प्यार का भी है। देख यार, इस तरह बिना लड़े हार मत मान। एक बार उसे प्रपोज तो कर। अगर सोफी भी तुझे प्यार करती है और वही तेरी डेस्टिनी है तो वो जरूर हाँ कहेगी। अगर तू सच में उसे प्यार करता है तो जान दे के भी उसे मनाना पड़े ना तो मना ले उसे। सच्चा प्यार बस एक बार ही मिलता है रेमो। मेरी बात मान ले यार, अब ज्यादा मत सोच। बस सोच लिया, अब सिर्फ करना बाकी है। ये हुई ना बात यार, तू नहीं जानता तूने कितनी बड़ी खुशी दी आज मुझे। I'm so happy for you. मैं बहुत खुश हूं। मैं इतना खुश हूं कि मैं पागल हो जाऊं। और देख लेना, सोफी जरूर मान जाएगी। I'm sure. मैं अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को तेरी शादी में बुलाऊंगा। He's going to propose, darling. He's going to propose.
सॉरी रेमो, ये नहीं हो सकता। सोफी प्लीज रुक जाओ, मेरी एक बात सुन के जाओ। व्हाट द हेल इज दिस? हे रुक, खड़ा हो जा वहां पे। मैंने हमेशा अपनी लाइफ यहां से जी है, यहां से नहीं, इसीलिए कभी भी किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन लेकिन फिर तुम आई और अपने आप एक रिश्ता बनने लगा। इट वॉज लाइक मैजिक। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं सोफी, लेकिन यह दर्द हमारा पास्ट है, फ्यूचर नहीं। इसीलिए बीते हुए कल की सजा आने वाले कल को मत दो। हम इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। वी डिजर्व टू बी टुगेदर, वी बिलोंग टुगेदर। सोफी प्लीज, विल यू बी माइन फॉरएवर? मैं खुश था, बहुत खुश। मेरी एक छोटी सी शरारत एक लंबी कहानी में बदल गई थी, लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। शादी के कुछ दिन बाद रेमो और मैं एक ट्रेड फेयर के लिए बैंकॉक जाने वाले थे। उससे एक रात पहले सोफी रेमो को अपने साथ एक प्ले दिखाने ले गई। तूने मेरे लहू को जहर बना दिया, अब यही जहर मैं तेरी रगों में भर दूंगा, मार डालूंगा तुझे। इधर आ रकीब मेरे, तुझे मैं गले से लगा लूं। मेरा इश्क बेमजा था तेरी दुश्मनी से पहले। क्या बात है, प्ले देखने के बाद तुम उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं, तुम कल जा रहे हो ना? दो चार दिन में वापस भी तो आना। पता नहीं, अचानक जिंदगी मौत सी लगने लगी है। सोफी कैसी बातें कर रही हो, मैं ट्रिप कैंसिल कर दूं क्या? नहीं नहीं प्लीज, ऐसा मत करना। लगता है तुम पर प्ले की हीरोइन का असर हो गया। वो क्या शेर बोला था उसने? मुंतजर हूं कब से कि इतनी शफा मेरी आंखों में आए, कुछ दवा हो जाएगी जिंदगी की, मौत अगर तेरी बाहों में आए। कुछ समझ में नहीं आया, बट इट साउंड्स वेरी रोमांटिक। दैट्स मोर लाइक इट। अगर तुम उस चाइनीज कंपनी के साथ टाइप करने वाले हो तो आई मस्ट वॉर्न यू कि चाइना में रेमो कमाल है। मैं तुम्हारे लिए चाइना में मेहनत कर रहा हूँ और तुम बॉम्बे में मजे ले रहे हो। आई विल बी राइट बैक। कहाँ जा रहे हो? आई हैव टू मेक अ फोन कॉल। हाय बेब्स, हाउ आर यू? तुम्हारे बिना कैसे हो सकती हूँ? सोफी यू क्राइंग? नहीं तो। आर यू मिसिंग मी? मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बस एक दो दिन और, then I'll be back. Promise? Promise. Now I have to go. Siddharth is waiting. See you soon. Bye. Bye. हो गई बात। यार वाइफ हो तो ऐसी। तुम ठीक कहते हो। मैं झूठी हूँ। पर मैं लाख झूठी सही। मुझ में एक सच तो है कि शादी चाहे मैंने रेमो से की हो, पर प्यार सिर्फ तुमसे किया है, सिर्फ तुमसे। oh, 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 oh.
पर मेरी सजा नहीं है, मेरी एक ही सजा है, तुम मुझे जान से मार डालो। मौत कोई सजा नहीं है, नहीं है। तुम्हें किसी और के साथ सोचना सजा है, तुम्हारे बिना जीना सजा है, और वो सजा मैंने सही है। जो तुमने मेरे साथ किया है ना सोफी, जी करता है मैं तुम्हें मार डालो मुझे, मैं इसी लायक हूं, मार डालो मुझे। नहीं, अब इतना प्यार नहीं करता हूं तुमसे कि तुम्हारी जान लूं। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं कि अपनी जान दे दूं। स्टॉप इट! मर जाने दो मुझे, मर जाने दो मुझे, मर जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नफरत हो गई है मुझे अपने आप से। I hate myself, I hate myself। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सोफी के मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सोफी, अगर इतना प्यार करते हो तो मुझे यहाँ से ले क्यों नहीं जाओ? ले जाऊंगा, बहुत जल्दी ले जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारा ही सपना देख रही थी और तुम आ गए। सही कहते हैं, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। हाय मिसेस ब्रिगेंजा। गुड मॉर्निंग। मुझे बॉस ने बुलाया था, किधर है वो? अंदर स्टडी में सिद्धार्थ बाबा के साथ। ओ अरे एसएमएस, योर लेसेस खुला है। किधर? ऊपर छत पे। ओ साहिबा बोगस। मिसेस ब्रिगेंजा, बॉस को कॉफी मांगता है। तुम नहीं पिएगा क्या? अभी तो मुझे जाना है मिसेस ब्रिगेंजा, वरना आपके हाथ से तो जहर भी पी लेता। यू ओनली सेड, बट पीता नहीं कभी। जब तक आपको बताने की उम्मीद दिल में, मिसेस ब्रिगेंजा मैं जहर कैसे पी सकता है? यू स्काउंडरल। हाय, जाने का दिल नहीं करा लेकिन क्या करे, काम है, जाना पड़ेगा। बाय मिसेस ब्रिगेंजा। अरे यार, मेरे को तो इसके वाइफ के ऊपर तरस आता है। नहीं, अपना तरस मुझे दे दीजिए, इनकी तो शादी नहीं हुई ना अभी। व्हाई? इसने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, एक बार ट्राई किया था। सब ठीक जा रहा था। लेकिन आखिर में इन्होंने एक सवाल पूछ लिया। व्हाट? अरे बेटा शर्मा क्यों रहे हो, पूछ लो जो पूछना है। हाँ हाँ पूछ लो। आप पढ़ी लिखी कितनी है? कहीं जा रही हो? शॉपिंग। एसएमएस को ले जाओ। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। ये गन तुम्हारे पास कहां से? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सोफी, ये गन तुम्हारे पास कहाँ से आई? कबर्ड में मिली, शायद रेमो की होगी। तो इसे साथ लेके क्यों घूम रही हो, यहाँ क्यों लेके आई हो? हाँ? पता नहीं। डोंट बुलशिट मी सोफी, मुझे पता है तुम उस दिन के बारे में सोच रही हो जब मैंने गुस्से में तुम्हें वो बातें कही थी। तुम भी तो वही सोच रहे हो रेमो को मारने के बारे में, वरना ये खाली गन देख के इतना नहीं घबराते।
मैं इस गन से नहीं घबरा रहा हूँ, मैं अपने गुस्से से घबराता हूँ और वो तुम जानती हो। इसलिए तो तुम्हें चुना है। मतलब? मतलब ये कि मैं जानती हूँ कि इस गुस्से के पीछे मेरे लिए कितना प्यार छुपा है। अगर तुम भी मुझे उतना प्यार करती हो तो इसके बारे में फिर कभी मत सोचना। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, पर आज जब ये गन सामने आई तो वो बात भी सामने आ गई। इसे छूकर लगा कि हमारे ख्वाबों के नक्श छू लिए हों, सपना हकीकत लगने लगा। हमारे सपने जरूर पूरे होंगे सोफी, मगर इस तरह से नहीं। फिर कैसे? आज शेखर सानी के ऑफिस से मुझे फोन आया था। शेखर सानी वो फिल्म डायरेक्टर? हाँ, 5 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे जरूर ब्रेक मिलेगा और फिर हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और फिर मैं आऊंगा और सबके सामने तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। ओह, और मैं तो जैसे चली जाऊंगी ना। क्यों? बड़ी सी कार में आओगे, डायमंड्स के साथ प्रपोज करोगे तो सोचूंगी। डायमंड्स? और अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, और बेचारे आशिक? आशिक तो उंगलियों पे नचाने के लिए होते हैं, पहनने के लिए नहीं। बहुत जालिम हो तुम। और तुम गुनेगार? गुनेगार? हाँ, किसी और की भोली भाली बीवी को अपने जाल में फंसाने वाला गुनेगार। तो इस गुनेगार की सजा क्या है? You are dead and late. What? 4:30 बज गए। Oh shit, I got to leave. Bye. अरे, अच्छे काम से पहले मुंह मीठा करके जाते हैं। चॉकलेट फ्रिज में पड़ी है। चॉकलेट? चॉकलेट तो बच्चे खाते हैं। अच्छा। सोफी? Yes, darling. इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? शॉपिंग, तुम्हें बताकर तो गई थी। शॉपिंग? क्या कुछ और? कुछ और मतलब? मतलब ये कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है। नहीं तो? झूठ मत बोलो सोफी, मेरी एब्सेंस में इस घर में क्या होता रहा है मुझे सब पता चल गया है। ये क्या है? मेरे जाने के बाद तुम स्मोकिंग करती रही हो? ओह, ये एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेली फील कर रही थी। आई वाज मिसिंग यू, तो यूं ही एक सिगरेट ट्राई कर ली, जस्ट वन। सोफी, आई एम सॉरी बोला ना, माफ कर दो, प्लीज 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 प्लीज। ओके, बट यू हैव टू प्रॉमिस कि दोबारा ऐसा नहीं करोगी। आई स्वेयर। वैसे तुम्हें डांट कर बहुत मजा आया। What? You're mean, dramabaz. I could kill you. हम तो पहले ही मर चुके हैं। वो क्या था? मुन्नत मुजरिम हूँ कब से क्या? रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक ना एक दिन तो याद हो ही जाएगा। मिस्टर खन्ना, आप मजाक कर रहे हैं। आपको काम भी चाहिए और पैसा भी। मैं आपको आपकी औकात याद दिला देता हूँ मिस्टर खन्ना। यू आर अ नोबडी। अगर आपको काम करना है तो मेरी शर्तों पर करना होगा, नहीं तो दरवाजा सामने है। अब क्या करें? मैं तुमसे पूछ रही हूँ सानी, सोच रहा हूँ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर हमें साथ रहना है तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। तुम सुन रहे हो ना? तुम्हारे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट है क्या? छोड़ क्यों नहीं देती हो रेमो को? What? You're calling me a gold digger? I don't believe this. Waiter, check please. क्या क्या कर रही हो तुम? बहुत हो गया, I'm leaving. मुझे यहाँ रहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। सोफी, मुझे कार्ड भी आज ही भूलना था, कैश भी नहीं है। He'll make the payment.
रहने दो, मिल गया। बुरा लगा? तुमने जानबूझकर उस दो कौड़ी के वेटर के सामने मेरी बेइज्जती की ना? औकात सिर्फ पैसे से बनती है, और ये पैसा ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, सिर्फ रेमो के पास है। ला सकते हो इतना पैसा कहीं से तुम? बोलो। क्या बोलूं? हाँ क्या बोलूं, कि मैं तुम्हारे पति का मर्डर करने को तैयार हूँ? मैं नहीं सनी, हम। ये हमारा फैसला होगा, मगर गलत फैसला होगा। गलत फैसला होगा? और ये गलत है तो ये सही है कि मैं प्यार तुमसे करूं और बीवी उसकी बनी रहूं? जब तुम चाहो तुमसे मिलने चली आऊं, जब तुम चाहो तुम्हारे साथ सोऊं और फिर तुम्हारे बिस्तर से उठ के उसके बिस्तर में जा लेटूं? You want me to be a bloody whore? Oh shut up Sophie. Why don't you understand? उसे मार कर भी हमें खुशी नहीं मिल पाएगी। मैं सब समझ गई। प्यार करने के लिए दिल ही नहीं गुर्दा भी चाहिए। हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है सनी। मैं जा रही हूँ अपने पति के पास हमेशा के लिए, और चाहे कितना भी तड़पूं, इस बार मैं लौट के नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, कभी भी नहीं। हाय, हेलो हेलो सोफी, हैंग ऑन वन सेक। हेलो सोफी, हेलो सोफी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो, क्या बात है सोफी, यू साउंड सो लो। आई एम मिसिंग यू रेमो। ऐसा लग रहा है कि लंबा अरसा हो गया तुमसे मिले हुए। लेकिन आज तो ऑफिस आने से पहले ही तो मिला था तुमसे। बात तुम्हारी नहीं है, बात यह है कि मैं कब मिली थी तुमसे। तुम प्लीज अभी घर आ जाओ ना मेरे पास। आई एम ऑलरेडी ऑन माई वे। पता नहीं डार्लिंग, शायद रॉन्ग नंबर था। टाइमिंग भी बड़ी रॉन्ग थी। यू स्मेल सो गुड टुनाइट। नहीं रेमो, आज मूड नहीं है, फिर कभी। मूड भी बन जाएगा। कम हियर सेक्सी थिंग। सोफी कहाँ खो गई? कुछ नहीं। Let's go home, Remo. हाँ? पर हम अभी तो आए हैं, डिनर भी नहीं किया। Yeah, I know, darling, but घर चलते हैं ना, लोगों से दूर, सिर्फ तुम और मैं, candlelight dinner, please, I'll go. Okay, whatever you like. ठीक है। You take care of the bill. मैं वॉशरूम होके आती हूँ। Okay. क्या कर रहे हो सनी? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और जो दर्द मुझे हो रहा है उसका क्या? वो तुमने खुद ही अपनी किस्मत में लिखा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है सोफी, नहीं होता है मुझसे बर्दाश्त। तो बर्दाश्त करना सीख लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं सीखना है मुझे, नहीं सीखना है तुमसे अलग रहना। I love you, Sophie. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। Sophie, अरे भाई इतनी देर, are you all right? Yeah, just give me a minute. I have to go.
सोफी, सोफी। हाय। चलें? हाँ, अब तो सारी उम्र साथ ही चलना है। थैंक यू। फॉर व्हाट? तुमने मेरी बात जो मान ली। अरे ये तो सिर्फ डिनर की बात थी, तुम कुछ भी मांगती तो मिल जाता। अगर जान मांग लेती तो? मांग कर तो देखो। समझो मांग ली। समझो दे दी। समझो ले ली। रेमो को एस्मा है, सिवियर एस्मा। So? मैं तुम्हें एक ट्रेजिक कहानी सुनाती हूँ, शेक्सपियर की ट्रेजेडी से भी ज्यादा ट्रेजिक। एक रात की बात है, रेमो घर पर बिल्कुल अकेला था कि अचानक सनी यहां आ पहुंचा। जब सनी ने रेमो को उकसाया तो उन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से रेमो को एस्मा का अटैक आया। पर जब रेमो को अपना इनहेलर नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इनहेलर क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनहेलर सोफी के पास था। फिर? मुश्किल से ही सही, पर रेमो अब भी जिंदा था। तो सनी ने ड्रॉर से गन निकाली और गोली चला दी। नकली गोली ने असली से भी ज्यादा असर किया और रेमो मर गया। भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है, इसीलिए उन्हें जल्दी वापस बुला लेते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये प्रूव हो गया कि रेमो की डेथ एस्थमा से हुई थी। है ना ट्रेजिक स्टोरी? मुझे तो ये फेरी टेल जैसी लगती है। अब तो इस कहानी के शुरू होने का इंतजार है। Here's your coffee. Thanks, Siddharth. कुछ काम था मुझसे? हाँ, नहीं। तो जाओ अपना काम करो। ये काम वाम का ऑर्डर मत देना मुझे, तू बॉस होगा तो अपने ऑफिस में। ये मेरा ऑफिस ही है सिद्धार्थ। हाँ, लेकिन टाइम ऑफिस का नहीं है। 7:30? ओह डैम, 7:30! मुझे आज सोफी के साथ कहीं जाना था। कहाँ जाना था? आज तू पिटेगा अपनी बीवी से 100%। ओह आज तो तूने ही पार्टी रखी है खास आप दोनों के लिए, इसलिए प्लीज प्लीज हमेशा की तरह लेट मत होना। नहीं होता, भरोसा रख। ओके देन आई एम ऑफ। ओके, प्लीज एक कॉफी पी लेना, ठंडी हो रही है। यस बॉस, चीयर्स। ग्लास देना। यस सर। अरे रेमो कहाँ हो तुम लोग, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? उसी के लिए तो फोन किया है सिड। I'm sorry यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? I'm not feeling well at all. ऑफिस से आते आते मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ? Anything serious? Everything all right? उतनी खराब नहीं हुई जितने तूने सवाल पूछ लिए हैं। It's just my asthma again. Oh, okay, okay. कोई बात नहीं, तो तू रेस्ट कर, मैं पार्टी कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने की क्या जरूरत है? I'll send Sophie. अरे वो बेचारी क्या करेगी तेरे बिना यहाँ? उसका सारा ध्यान तो तुझ में रहेगा। तूने इतने प्यार से हमारे लिए पार्टी दी है, उसकी कदर तो हो जाएगी। चल ठीक है बाड़ी, if you insist. और सुन, तू प्लीज अपना ध्यान रखा कर, कभी कभी बहुत फिक्र होती है मुझे तेरी। I'm sick, not dead, Siddharth. अब रोना बंद कर और enjoy कर. I'll send Sophie. Okay, bye. Take care. नहीं, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे ये तो बचपन से होता है मेरे साथ, it's nothing serious. तुम्हें कैसे पता? कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम भी जान ले लेती है। जान तो दिल का रोग भी ले लेता है, हमने तो वो भी हंसकर लगा लिया। अच्छा, तो अब जनाब को पछतावा हो रहा है? पछता इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम इस रोग का इलाज नहीं करती हो। माय डियर हस्बैंड, इस रोग का तो एक ही इलाज है। वो क्या? मौत। मुंतजर हूँ कब से कि इतनी शफा मेरी आहों में आए। कुछ दवा हो जाएगी इस जिंदगी की, मौत अगर तेरी बाहों में आए। I'm impressed. अच्छा तो फिर इतनी भी नहीं कि पार्टी में चली जाऊं। सोफी प्लीज जिद मत करो, सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगेगा। तो लगता रहे। ऐसा नहीं कहते सोफी, आज हम उसकी वजह से ही तो साथ हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। हाँ है, प्लीज। ओके, पर मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। रुकना भी मत, I'll start missing you. और तुम प्रॉमिस करो कि नो वर्किंग ऑन द कॉम एंड फुल रेस्ट। ओके बाबा, प्लीज अब जाओ, ऑलरेडी बहुत देर हो गई। क्या हुआ? I'm sorry, Ramo.
क्यों? वो तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ ना, इसलिए। I'll miss you. I'll miss you too. सनी, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ किसी की मौत है मेरे हाथों में। किसी की मौत नहीं, हमारी जिंदगी। क्या बात है सोफी, तुम परेशान क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। डोंट वरी, रेमो कल तक ठीक हो जाएगा। मुझे रेमो की बीमारी की फिक्र नहीं है। तो फिर मुझे तुमसे कुछ कहना है सिद्धार्थ, पर क्या सोफी? समझ में नहीं आता कैसे कहूं। Can I trust you, Siddharth? कौन हो तुम? तेरा रकीब सनी। तो आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? हाँ, फिर मेरी लाइफ में रेमो आया, और कब प्यार हुआ और कब शादी पता ही नहीं चला। हाँ लेकिन ये सब तो कल की बात है, प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिनों पहले सनी मेरी लाइफ में वापस आ गया। पता नहीं किस्मत मुझे किस गुनाह की सजा दे रही है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें करने में बहुत मजा आता है। ऐसे ही कुछ गुनाह मैंने भी किए। तुम्हारे ही कमरे में, तुम्हारी ही फोटो के सामने, तुम्हारे ही बिस्तर में, तुम्हारी ही बीवी के साथ। मां कसम, बहुत नमकीन है वो। यू ढूंढ रहे? और जब मैंने रेमो को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत ढीठ हो यार तुम, मरते ही नहीं। पागलपन सवार हो गया उस पे। लगता है मुझे ही मारना पड़ेगा। उसने रेमो को जान से मारने की धमकी दी। वो पागल है सिद्धार्थ, कहीं वो कुछ रेमो को। और कल सुबह मैं पुलिस स्टेशन जाकर, हेलो, क्या हुआ सिद्धार्थ? नहीं, रेमो, 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 रेमो। इसे लैब में भिजवा देता हूँ सर। अच्छा जी, तो मिस्टर वर्मा का फोन आने के बाद तुम्हें यहाँ पहुंचने में करीब 5-7 मिनट तो लगे होंगे, और तुमने उसे भागते हुए देखा, उसका चेहरा याद है? मैं अपने रब को भूल सकता हूँ सर, मगर उसका चेहरा जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कमले। यस सर। इन्हें ले जाकर सस्पेक्ट का स्केच बनवा लो। ओके सर।
उस दिन सोफी की आंखों से बहने वाले आंसुओं में इतनी सच्चाई थी कि उनकी नमी मुझे अपनी आंखों में महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। इस कहानी में कोई तो एक कड़ी थी जो अभी भी मिसिंग थी। मिस्टर वर्मा, यह है उस आदमी का स्केच। ऑफिसर प्रधान, इस आदमी को ढूंढिए। इसने मेरे भाई को मारा। मुझे ये आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए। और आज रात की दूसरी खास खबर है, रघु मैथ्यूज मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने संदिग्ध कातिल का एक स्केच जारी किया है। जेन सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक रेमो मैथ्यूज की कल रात उन्हीं के घर में बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि कातिल का नाम सनी खन्ना है, जो पेशे से एक एक्टर है। अगर आप में से किसी को भी इस व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया मुंबई पुलिस को इन नंबरों पर संपर्क करें। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मिस्टर वर्मा, टेक इट इजी। एसएमएस? यस सर। ये है ना? एग्जैक्टली ये सर। मिस्टर वर्मा, आपका अंदाजा सही निकला। आपका काम खत्म, अब कानून को अपना काम करने दीजिए। अच्छा जी। सारे सबूतों और गवाहों के बयानात से ये जाहिर है कि मुलजिम सनी खन्ना वल्द अनिल खन्ना ने एक तरफा प्यार के जुनून में रेमो मैथ्यूज का कत्ल किया। इसलिए ये अदालत मुलजिम सनी खन्ना को इस कत्ल के जुर्म में दफा 302 के तहत उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। Thanks for everything, Siddharth. Take care, Sophie. क्या हुआ सोफी? शायद मैं भी नहीं। मैं समझ सकता हूँ सोफी। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब जीने और मरने में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन ये पल भी गुजर जाएंगे सोफी। बस इस वक्त अपने आप को संभाल लो। इतना आसान तो नहीं होता ना सिद्धार्थ। मैं मानता हूँ सोफी, मगर कोशिश तो करो। ऑफिस आओ, काम संभालो, थिएटर जाओ, ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी। सिद्धार्थ, मैं सोच रही थी कि
कुछ दिनों के लिए मैं बाहर चली जाऊं। गुड आइडिया। माहौल बदलेगा तो सोच भी बदलेगी। मैं सारी अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। कहाँ जाना चाहोगी? सोफी ने यह जगह बहुत सोच समझ कर चुनी थी। वो जानती थी कि यहाँ उसे पहचानने वाला कोई भी नहीं होगा, और मैं उसके पीछे पीछे यहाँ इसलिए चला आया क्योंकि मैं इस नकाब के पीछे छुपी हुई सोफी का सामना करना चाहता था। कहीं ना कहीं मुझे उसके असली चेहरे का एहसास था, शायद बहुत पहले से था, क्योंकि मैंने सोफी की आंखें देखी थी और उन मासूम आंखों में कातिल का असली चेहरा भी देखा था, अपना चेहरा। देखे बगैर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। He's going to propose, Sally. He's going to propose. पता नहीं डार्लिंग, शायद रॉन्ग नंबर था। टाइमिंग भी बड़ी रॉन्ग थी। नहीं रेमो, आज मूड नहीं है, फिर कभी। मूड भी बन जाएगा। कम या यू सेक्सी थिंग। प्लीज ये कॉफी पी लेना, ठंडी हो रही है। आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। ऑफिस से आते आते मेरी तबीयत खराब हो गई। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? देख रहा था यहाँ में कोई पहचानने वाला तो नहीं है। तो क्या देखा? कुछ नहीं सिवाय तुम्हारे। इतनी देर से क्या देख रहे हो? हमारा सपना। समंदर बनना हर दरिया का सपना होता है। कल तक हमारी जिंदगी एक दरिया की तरह थी, लेकिन कुछ ही दिनों में जब कंपनी बिक जाएगी और सारे पैसे हमारे हाथ में होंगे, तब हमारी जिंदगी भी एक समंदर बन जाएगी। इट्स गुड टू बी बैड। पानी जितना गहरा होता है उसमें उतने ही राज छुपे होते हैं, है ना सिद्धार्थ? तुम ठीक तो ना सोफी? शैंपेन ज्यादा हो गई? एक बात पूछूं सिद्धार्थ? मैंने तो जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, पर तुमने जो किया उसका कारण सिर्फ पैसा था या कुछ और? पैसे से बड़ा कोई कारण नहीं होता सोफी। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है। प्लीज मुझे गलत मत समझना सिद्धार्थ, ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है। तुमने मुझसे प्यार किया तो मुझे खुद से प्यार हुआ। तुम मुझे ना भी बताना चाहो तो भी मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर पूछ क्यों रही हो? बस यूं ही, कभी कभी दिल करता है कि तुम भी मुझे अपनी जिंदगी में उसी तरह से शामिल करो जैसे मैंने तुम्हें किया है। सिद्धार्थ, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे भी छुपा के रखना चाहते हो? ये मेरी माँ है सोफी,
और मैं रेमो का सौतेला भाई। क्या कह रहे हो? माँ के लिए बाबा ही सब कुछ थे, लेकिन बाबा के लिए पैसा, इसलिए काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। फिर एक दिन हमें पता चला कि बाबा के घर से बाहर रहने का कारण उनका काम नहीं बल्कि उनकी दूसरी फैमिली थी। बाबा ने पैसों की लालच में किसी अमीर औरत के साथ शादी कर ली थी और उस शादी से उनको एक बेटा था, रेमो। ये पता चलते ही माँ मुझे लेकर उनके घर पहुंची, लेकिन बाबा ने हमें पहचानने से साफ इनकार कर दिया। बकवास कर रही है ये, झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने तुम्हारे झूठे प्यार को सच माना, अपनी सच्ची कोख से तुम्हारा बेटा जन्मा, और तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे प्यार में कहाँ कोई कमी रहेगी? जो बोलो, बोलो ना। इसके आंसुओं पर मैं जाना नहीं, मैं जानता हूँ ऐसी औरतों को। अरे पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। पैसों के लिए तो तुम मरे जा रहे हो, इसलिए तो हमें छोड़कर इसके साथ शादी का नाटक कर रहे हो। इसको तो मैं बताता हूँ, यहाँ से जाती है तो उठाकर बाहर फेंकूं तुझे। नहीं जाऊंगी मैं। अगर इतनी भूख किसी औरत के पैसों की तो मेरे दलाल बन जाते। तुम्हारे प्यार की खातिर हंसकर धंधा भी कर लेती मैं। मेरे बच्चे के सामने ऐसी गंदी बकवास कर रही है तू? और सिद्धार्थ, ये तुम्हारा बेटा नहीं है? ये मेरा बेटा नहीं है, नहीं है ये मेरा बेटा। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है रेमो, और एक ही बीवी है एनी। ऐसा मत कहो जो, प्लीज, मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा। बहुत हो चुका है नाटक, अभी ये नाटक खत्म कर देता हूँ मैं। ये क्या कर रहे तुम? निकल जाओ तुम, और साथ में अपने पाप को भी लेती जाओ, वरना इस हरामी को अभी यहीं गोली मार दूंगा। मेरा बच्चा हरामी नहीं है। तुमने मेरे बच्चे को गाली दी, तुमने मेरे बच्चे को गाली दी। निकल छोड़ के दे तुम्हें। बोला था नहीं है मेरा बच्चा हरामी। उस दिन तीन मौतें हुई, रेमो की माँ और बाबा हॉस्पिटल जाते हुए एक्सीडेंट में मौत के हाथों मारे गए, और मेरी माँ जिंदगी के हाथों। उस दिन से लेकर आज तक मैं माँ को पुकार रहा हूं, लेकिन माँ की जवाब ही नहीं देती। मैं इस खामोशी में माँ के मातम को सुन सकता हूं, 14 साल से सुन रहा हूं, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। कुछ नहीं सिवाय कि जिस पैसों के लिए मेरे पापा ने मेरी माँ को गाली दी, रेमो को अपना बेटा और मुझे पाप कहा, उसी रेमो को खत्म करके मैं सारे पैसे हासिल कर सकता था, और आज मैंने वो कर लिया। आज रेमो की जगह मैं हूं। सुन रहे हो बाबा? सुन रहे हो? आपका बेटा मर गया, आज सिर्फ ये पाप जिंदा है। आज हिम्मत हटाओ, आओ और मेरी माँ को गाली दो, मुझे हरामी कहो। कह सकते हो बाबा? कह सकते हो? ये आज कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आज मेरे पास बहुत पैसे है। मेरे पास बहुत पैसे है आज, बहुत पैसे है मेरे पास आज, बहुत पैसे। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे अंदर इतना दर्द छुपा है। मुझे माफ करना सोफी, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुमने मुझे समझा ही नहीं, मेरा प्यार सही गलत का मोहताज ना कल था और ना आज है। वैसे जब तक इसे सेंट्रल जेल नहीं भेज दिया जाता तब तक इंचार्ज तो मैं ही हूं, मगर अच्छा जी, हेलो सोफी। सिद्धार्थ कहाँ हो तुम? Are you back or not? Yeah, I just landed. कहाँ हो तुम? Rehearsal. Rehearsal? बैठे-बैठे टेंशन हो रही थी,
क्या और कब तक इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए सोचा टाइम स्पेंड करने के लिए प्ले ही कर लिया जाए। सो हियर आई एम। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। सिर, आई वांट टू सी यू। तुम यहाँ आ जाओ ना। मैंने तुम्हें समझाया था ना सोफी, हम सिर्फ छुप छुप के मिल सकते हैं, बस कुछ दिन और। ओके ओके, पर तुम इस बेचारी विधवा पर बहुत जुल्म कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं रात को माफी मांगने आ जाऊंगा। ओके, आई विल सी यू टुनाइट। सोफी, क्या हुआ सोफी? सोफी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग? अरे ये तो मेरा खून है, ये देखो सारे स्टिचेस खुल गए। यू आर लाइक एन एनिमल, आई टेल यू। तुम हंस रहे हो, मेरी जान निकली जा रही है। मैंने सोचा। क्या सोचा? रेमो। ओ डोंट बी सिली सोफी, मरे हुए लोग सिर्फ डेली सोप से वापस आते हैं। नाउ काम डाउन, ओके? रिलैक्स। यू वांट टू वॉश अप? हाँ, कम, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस ब्लड, कम। वो तो मर चुका है और मरकर कोई वापस नहीं आता, तो फिर मैं क्यों अपने ही साय से डर जाती हूं? क्यों लगता है कि ये मेरी नहीं उसकी परछाई है? कौन है वहां? क्या लगता है, गोली असली है या नकली? सोफी, 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 सोफी। और थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। एक पल के लिए मुझे लगा कि उसने सच में तुम्हें को क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आपकी और मैडम की सेवा। ठीक है, वहां रख दो। सर, पर सिद्धार्थ, सनी वहां कैसे आया? यही तो मैं सोच रहा हूं, सनी वहां आया कैसे और क्या कहा? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है मिस्टर वर्मा। भाई, हमारे यहां मेहमानों की सेवा जरूर की जाती है, मगर ये जेल है, कोई होटल नहीं कि जब जिसका दिल किया घूमने चला गया। सच मानिए तो पिछले 10 सालों से मुझे यहां से बाहर निकलने की छुट्टी नहीं मिली है, तो भला ये कैसे निकल जाएगा? अच्छा जी, एक्सक्यूज मी मिस्टर वर्मा, आपका फोन बज रहा है, उठाएंगे नहीं? सिद्धार्थ, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ सिद्धार्थ? क्या कहा इंस्पेक्टर ने? तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। सिद्धार्थ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। मुझे रेमो के नंबर से फोन आ रहा था। रेमो के नंबर से? बट हाउ इज दैट पॉसिबल? यही तो मैं सोच रहा हूँ। तुमने अभी कहा तुम मुझे फोन कर रही थी? हाँ, पिछले 1 घंटे से। मगर मुझे तो एक भी कॉल नहीं आया। एक मिनट, जरा अपने नंबर से मेरा नंबर मिलाना। इसका मतलब तुम्हारे फोन में रेमो का सिम कार्ड? पर कैसे? मुझे लगता है ऑफिसर प्रधान को हम पर शक हो गया है।
और वो सनी के साथ मिलकर कोई खेल खेल रहा है। पर उसे हम पर शक कैसे हो सकता है? हमारे पास ये सब सोचने का वक्त नहीं है। We have to move fast. मैं कल ही वायस के साथ मिलकर डील फाइनल करता हूँ। तुम अपनी पैकिंग कर लो। हाँ। इससे पहले कि वो कोई और चाल चले। We have to get out of this country. Thank you, Mr. Murthy. Thank you तो हमें बोलना चाहिए। इस डील से असली फायदा तो हमें हुआ है। Trust me, Mr. Murthy. Mrs. Matthews इस डील से काफी खुश रहेंगी। Poor woman. I hope this makes her life easier. I'm sure it will. तुम्हारे हाथ में ये चाकू क्यों है? सोफी, तुम कांप क्यों रही हो? सोफी, रेमो, रेमो, रेमो जिंदा है। What nonsense? रेमो जिंदा है, वो वहाँ था, अभी यहाँ था। सोफी, सोफी, तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है, just relax। तुम यकीन नहीं, विश्वास करो मेरा, रेमो जिंदा है, यही है, वो यही है, वो हमारे साथ गेम खेल रहा है, वो वापस आ गया, बदला लेना चाहता है। सोफी, सोफी, बस, चुप, चुप। रेमो मर चुका है, हमने अपने हाथों से उसे दफनाया, इसलिए उसके बारे में सोचना बंद करो और हमारे बारे में सोचो, हमारे सपनों के बारे में जो अब सच होने वाले हैं, ओके? कम, कम, I'll show you हमने क्या हासिल किया है, कम। Just take a look at this. 500 crores, सोफी। Imagine इस पैसे के साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं। माँ का इलाज करवा सकते हैं। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हैं। Won't that be? क्या हुआ सोफी? हाँ? ये क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, नहीं! इतने प्यार से दफनाया था तुझे, फिर भी वापस आ गया। तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा था। कितना परफेक्ट प्लान बनाया था हमने, फिर तू बच कैसे गया? किस्मत सिद्धार्थ, किस्मत। सोफी ने जब मेरे मर्डर का प्लान सनी को बताया तो मेरे कंप्यूटर पे सब रिकॉर्ड हो गया, और उस रात सनी के आने से पहले मुझे सब पता चल गया। फिर ये मरने का ड्रामा? ड्रामा नहीं करता तो तुझ तक कैसे पहुंचता? गन में असली गोलियां देखकर मैं समझ गया कि सोफी सनी को भी धोखा दे रही है। मैंने गन में नकली गोलियां भर दी और मरने का ड्रामा किया। SMS तो मेरे साथ था ही, फिर इंस्पेक्टर और सनी ने भी मेरा साथ दिया। फिर मुझे पता चला कि मेरा असली रकीब कौन है। वाई सिद्धार्थ, पैसे ही चाहिए थे तो मुझे कहता है यार, मैं अपना सब कुछ तुझे दे देता। भीख नहीं चाहिए मुझे, हक और बदला मांग कर नहीं छीन कर लिया जाता है, जैसे तेरी मां ने मेरी मां का हक छीना था। तू वो, तू मेरा भाई है? नहीं हूं मैं तेरा भाई, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, मैं सिर्फ तेरी मौत हूं। आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी मिस्टर वर्मा,
क्योंकि आप अपना गुनाह खुद कबूल कर चुके हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा जी, ऐसा क्यों किया सोफी? क्यों? मैंने तो जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही प्यार किया, सिर्फ तुम पर विश्वास किया। इतना विश्वास कि जब तुम अपने हाथों से मुझ पर मिट्टी डाल रही थी, उस वक्त भी मैं ये सोच रहा था कि काश ये सब झूठ हो। काश मैं तुम्हें सॉरी रेमो, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरा यकीन करो, मुझे माफ कर दो रेमो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। Are you sure? ये डोनेशन ही है या फिर आप इंस्टीट्यूट खरीदना चाहते हैं? नहीं नहीं, हमारे बॉस का दिल बहुत बड़ा है। आपका इनसे कोई रिश्ता है? नहीं, इनके बेटे से था। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ हर। ओके।